दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सवाल हर एक वैकेंसी को लेकर के, जो भी पोस्ट निकलती है उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल एक ही होता है हर चैनल पे जाके या फिर हर बुक स्टोर पे जाकर के कि भैया या सर, हमें इस वैकेंसी के लिए बुक बता दीजिए या बुक दे दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम चाहे जॉब लगे ना लगे या पता नहीं कब तक लगेंगे, लेकिन वैकेंसी जैसे ही आती है हमें फॉर्म फिलअप करना एक लाजमी है। हमारा एक सपना होता है क्यों ना हम इस वैकेंसी में जॉब लग जाए, लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही कोई वैकेंसी नई नई आती है, हम जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें बुक्स की भी नीड होती है। हम अलग अलग बुक्स के लिए अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था तो आप एनटीपीसी के लिए अलग बुक लेके आए, ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया था तो ग्रुप डी के लिए अलग बुक लेके आए, उसके बाद में आपने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म फिलअप किया तो आपने हर जगह से पूछा कि सर, डीआरडीओ एमटीएस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। उसके बाद आपने अगर एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भी लगा दिया तो इसके लिए भी, और आगे भी और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती रहेगी, या किसी भी स्टेट लेवल की आप वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर जगह यही सवाल पूछने वाले हैं। तो एक बात बताइए दोस्त, अपन कहीं पे भी इतने इस कैपेबल नहीं हैं हर कैटेगरी और हर वैकेंसी के लिए अलग अलग बुक ले सके। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, हर वैकेंसी के लिए हम अलग अलग बुक खरीदेंगे और वैकेंसी निकलती जाएगी तो हमारे घर में तो बुक स्टोर बन जाएगा, जैसे मेडिकल के लिए मेडिकल स्टोर बन जाता है, हम इतनी दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो क्या आपको वही बनाना है? क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हमारे माँ बाप के पैसे खर्च करके हमसे बुक ला करके रखते जाएँ और उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिले, क्योंकि वो वैकेंसी निकल गई तो वो बुक किसी काम की नहीं रही? दोस्तों ऐसा होता है ना, जैसे घर में आपको कई बार डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देता है कि आपके सर दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, नॉर्मली आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो क्यों ना अपन इस जो बीमारी है इसका भी कोई ना कोई इलाज ढूंढ करके लाए। तो दोस्तों, ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ लेकर के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमेश शर्मा इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके लिए कुछ अलग डिफरेंट, जो कि आप चाहते हैं, क्योंकि बार बार आपके पैसे खर्च ना हो हर वैकेंसी को लेकर के एक मास्टर बुक की, जिसे सर हमें हर सब्जेक्ट के लिए एक मास्टर बुक बता दीजिए, बार बार आपका एक ही सवाल था, तो वो मास्टर बुक लेकर के आया हूँ, जिसे अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो आपको लाइफ टाइम, जब तक आप जॉब लगोगे, आपको अदर बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप कोई भी वैकेंसी फाइट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मतलब इस वीडियो में सारी की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मली आप कोई भी वैकेंसी फिलअप करते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपके लिए नॉर्मली सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? पहला सब्जेक्ट जैसे होता है कि इंग्लिश, मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आप अलग अलग बुक्स परचेज करते हो, सबसे बड़ी समस्या ही आपकी इंग्लिश है। और आप क्या करते हो कि जैसे अलग अलग जाके जगह जा करके आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोज में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो आप हताश हो जाते हैं और बार बार वहाँ मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ आप कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, लेकिन वहाँ से आपसे फिर चार्जेज भी मांगे जाते हैं, लेकिन आप इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि आप वहाँ पे कर सकें। तो क्यों ना दोस्तों, उस चीज़ का आप एक इलाज बता दो कि वो बुक परचेज कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बुक्स कोई भी, मैं अगर आपको बुक्स बता रहा हूँ इसमें मेरा कहीं पर भी कोई कमीशन नहीं है, मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, कहीं से भी मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ से परचेज करना, मतलब मैं हर एक बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे चाकर के अगर आप उनके रेट देख सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आपके जहाँ भी शहर से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया में, आप वहाँ से जाकर के ऑफलाइन भी उनको परचेज कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। ये वीडियो सिर्फ आपकी सहायता के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह जाकर के आप परेशान हो रहे हैं और ये जो वीडियो चैनल ये बनाया गया है सिर्फ आपकी सहायता के लिए ही है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों जो इंग्लिश अगर आपको पढ़नी होती है तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना, वीके सिन्हा की जो बुक मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, वीके सिन्हा की जो परफेक्ट इंग्लिश है, आप इसे परचेज कर लीजिए। इसके बाद में आप हर एक कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक है, मतलब आप MTS से लेकर के SSC CGL या बैंक लेवल तक की आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं। आपका सारा का सारा मैटर इसमें इंक्लूड है, तो आप जाकर के इसको जाके ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप वहां से चेक कर सकते हैं, वहां से देख लीजिए बुक आपको कैसी लगती है, या फिर आप जाकर के ऑफलाइन भी किसी भी बुक स्टोर पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बुक्स बताने जा रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, क्योंकि हर बार आप लोगों की शिकायत होती है कि सर आप हिंदी मीडियम वालों का सोचते हो लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं सोचते हो। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो काफी साउथ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, जिनको हिंदी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये बुक्स हैं, इंग्लिश तो आप सोचोगे
सोचोगे सर ये तो इंग्लिश में होगी, हिंदी में थोड़ी होगी। दोस्तों इंग्लिश के साथ साथ बाकी जो अदर बुक्स भी मैं बताने वाला हूँ उनकी भी बात कर रहा हूँ, तो आप ये वी के सिन्हा की बुक्स जो परफेक्ट इंग्लिश है इसे आ जा करके परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं आता हूँ कि रीजनिंग, आपके जो कॉमन सब्जेक्ट जो सभी एग्जाम्स में आते हैं, रीजनिंग के लिए मैं आपको दो चीज़ें प्रेफर करूँगा, दो चीज़ें आपको जो भी बेस्ट लगे वो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों एक तो चीज़ है बुक्स और एक है नोट्स, आपको जो ठीक लगे वो देखिएगा। मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो एक अरिहंत की मास्टर बुक आती है मास्टर रीजनिंग, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग आती है आपकी, एनालिटिकल आती है, वर्बल आती है, नॉन वर्बल आती है, तीनों प्रकार की रीजनिंग जो हर एक एग्जाम में आप एनटीए से लेकर के एसएससी सीजीएल एंड बैंक क्लर्क एंड पीओ तक की लेवल की तैयारी कर सकते हो, उससे बाहर कोई मैटर नहीं बनता है। आप उसमें जीरो से लेकर के आप हर एक चीज को बेसिक स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। ये बुक आपकी मतलब सारी की सारी जो बुक्स बता रहा हूँ ये 250 से अबाउ तक चलेगी, मतलब इससे कम के रेंज में कोई भी बुक नहीं है, लेकिन आपके एक बार 1000 से 1500 के बीच में टोटल जो बैलेंस है वो होगा उसको, लेकिन आप परचेज कर लेंगे, आपके बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मास्टर बुक को परचेज कर लीजिए, आपकी रीजनिंग की टेंशन खत्म है। अगर आप इसको आपको थोड़ा सा टफ लगे और आप इसको इजी लेवल में करना चाहते हैं, जैसे डीआरडीओ एमटीएस वगैरह में इतना लेवल नहीं है, तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो कि इतना चार्ज भी नहीं लगेगा उनके लिए, एक मिनिमम चार्ज 99 रुपीज में आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप व्हाट्सएप के थ्रू, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इनको भी परचेज कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर लेकिन फुली आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ मैं, रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारी सबसे बड़ी समस्या एक और आती है कि सर जीके की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों जीके के अंदर दो पार्ट होते हैं आपका, जीके प्लस जीएस, क्योंकि इसमें जनरल साइंस भी आती है। जीके के लिए मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, मैं हर बार पलटता नहीं हूँ अपने बातों को, जीके के लिए मैंने पहले बता रखी द एम जो रिमाइंडर की जो बुक आती है सबसे परफेक्ट बुक है, आप इसे परचेज कर लीजिए। आपको ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं, आप किसी भी इंडिया लेवल की जिसमें भी इंडिया लेवल का जो जीके आता है ना उसको आप आराम से फाइट कर सकते हैं, तो आप द एम की रिमाइंडर बुक्स को परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों फिर सवाल आता है आपका, सर जनरल साइंस को लेकर के सवाल है। दोस्तों जनरल साइंस को लेकर के भी मैंने अरिहंत की ये बुक आपको प्रेफर की है, इसे जाकर के जिसमें आपका जनरल साइंस का बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक की आपको सारी की सारी चीज़ें बता रखी है, आप इस चीज़ को जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये मैंने जनरल साइंस के लिए आपको बुक बताई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों अब सवाल आता है कि सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ को लेकर के है, मैथ के बारे में आप जानना चाहते हो क्योंकि अलग अलग जगह जाकर के आप वीडियोस देखते हो लेकिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों आप मैथ के लिए एसंत की जो बुक बता रखी है मैंने, एसंत जो अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक बता रखी है मैंने, इसमें अंकगणित है, मतलब सारी की सारी जो मैथ है इसमें पूरी की अर्थमेटिक ज्योमेट्री सारी की सारी जो पार्ट है मैथ का वो इसमें अवेलेबल है। आप जाकर के इसमें मैथ्स का भी पूरा का पूरा पोर्शन, आप किसी भी लेवल के अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सारा का सारा लेवल आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। आप हर एक चीज़ को इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ये सारी की सारी बुक से अगर एक बार में आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अलग अलग जाकर के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपको अलग अलग वीडियो जो अलग अलग चैनल्स पर जाकर के पूछने की जरूरत नहीं होगी कि सर मैं इसकी प्रिपरेशन करूँ तो किस लेवल पर करूँ। मैं फिर से आपको बता दूँ ये सभी की सभी बुक्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, इनका सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाकर के किसी भी बुक स्टोर से जाकर के इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा सकते हैं कि भैया हमें ये बुक चाहिए। आपको विश्वास नहीं है तो आप बुक स्टोर वाले से भी जाकर के एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि बुक कैसी है, लेकिन आप वहाँ का लोकल पब्लिकेशन मत परचेज कीजिएगा क्योंकि लोकल पब्लिकेशन में दुकानदार का सबसे ज़्यादा कमीशन होता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको जो ठीक लगे वो बुक परचेज कीजिएगा। मेरा आपके साथ एक जुड़ाव था, एक रिश्ता था, उसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही सलाह दूँ, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपके बार बार पैसे ना लगे, अपने एक एक रुपया बहुत कीमती होता है इस लाइफ में जो हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं ना, यहाँ पे एक बेरोजगारी के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ें होती है ये, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाएंगे और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, और दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगे कि लोगों को और भी भला हो सके। इसी के साथ आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है, हर एक बार की तरह इस बार भी और कुछ नया लेकर के आता रहूँगा और ज़रूर आऊँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।